हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक दीपांकर। बट आज मैं यहाँ पर कुछ टेक्निकल नहीं करूँगा। आज हम सीखेंगे बिहार का फेमस हावना हांडी मीट, जिसको हम चंपारण मटन भी कहते हैं। और मौसम भी ऐसा हो रहा है लाजवाब, तो क्यों ना हम हांडी मटन बनाएं। इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्ले पॉट। हम इसको क्ले पॉट, आज इसको पूरा मेरा वीडियो एंड तक देखना, जिसमें आके आप खुद घर पर भी खुद अपना हांडी मीट बना सको। चंपारण मीट ये बहुत लटपट होता है और बिहार का डिश है, बहुत अच्छा है। तो क्या बात, बनाए भाई इसको, लेट्स गो। ये है हमारा क्ले पॉट, इसमें हम मीट को बनाएंगे। चंपारण मीट हम इसी क्ले पॉट में बनाएंगे। ये मिट्टी की हांडी बोलते हैं। और इसको ऊपर से एक ढक्कन आएगा, हम उसको उस पर ढक देंगे। उस ढक्कन पे भी एक छोटा सा छिद्र बनाएंगे, जिससे कि इसमें जो भी स्टीम बनेगा वो उससे निकलेगी। तो ये ऐसा प्रेशर कुकर ही काम करेगा। और जो इसमें मटन गलता है वो आप खुद ही टेस्ट करने घर पे बनाइए, उसके बाद ही आप बता सकते हो कि कितना वो गलता है। बहुत अच्छा स्वाद बनेगा इसमें चंपारण मटन। ये देखिए, ये क्ले पॉट है, इसको हम कोयले के ऊपर उसका जो है आग को फ्लेम को नियंत्रित करके फिर हम इसको बनाएंगे। हमारा मटन रेडी है मैरिनेट करने के लिए। हम पहले इसको मैरिनेट करके रखेंगे एक घंटे तक। तो इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है रेडी कर लिए हैं। फिर आपको दिखाता हूँ। ये प्याज है जिसको हमने चॉप कर लिया है, और एक कली हम इसका लहसुन का पूरा पोथा लेंगे। और ये धनिया है, इसको हमने चॉप कर लिया धनिया को। और ये सरसों का ऑयल, जो कि बिहारी इसमें जो चंपारण मीट है इसके अंदर सरसों का ऑयल यूज़ किया जाता है, इसको हमने पहले से ही गर्म करके रखा हुआ है। और ये हमारा मैजिक मसाला है, जो कि मैंने तैयार कराया खुद। इसके अंदर हमने जावित्री डाला है, जायफल डाला है, लौंग, काली मिर्च, धनिया और जीरा, सौंफ, ये सब मिला के इसका मिक्सचर कर लिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये हमारा कश्मीरी लाल मिर्च, जिसका जो रंग है वो बहुत अच्छा आना चाहिए, इससे देखने और खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट होना चाहिए ये। तो आइए अब हम इसको मैरिनेट। पहले ऑयल डालेंगे, जो हमारा पैसे पहले ऑयल बॉयल करा हुआ था, गर्म करा हुआ, तो वो ऑयल जिसको हम डाल देंगे सुबह सुबह। इसको एक घंटा हो गया, तो बहुत अच्छा टेक्सचर आ गया दिखिए। और मैं इसके अंदर पूरा इसको फिल कर लूँगा। हमने अपनी चंपारण हांडी तैयार कर ली है, इसको हमने पूरा सील कर दिया। देखिए आटे से इसको हर जगह आटे से लगा दिया, और बीच में ये जो छेद था इसको भी मैंने आटे से सील कर दिया, जिससे जब इसकी
प्रेशर बनेगा तो इसको ऊपर की तरफ आएगा प्रेशर और इसमें से निकल सकता है, प्रेशर निकलेगा। ये चंपारण हांडी अब ये बनने के लिए तैयार है। हमने मटन चंपारण की हांडी अपने चूल्हे पे चढ़ा दी है, तो कम से कम इसमें 1 घंटा लगेगा। ये हमारा चंपारण हांडी मीट तैयार हो चुका है। अब इसको अपन खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या पका है। बहुत शानदार गल गया ऐसा लग रहा है मेरे को। प्लीज देखते हैं हम गला है कि नहीं।